भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के कांति रामपुर गांव के पास बुधवार की शाम करीब 7 बजे 16 वर्षीय किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरियावा थाना क्षेत्र के बीरमपुर त्रिमोहानी पर मुठभेड़ के बाद हत्यारोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रेम संबंध के चलते युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर गोली मारकर किशोरी की हत्या की थी। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किशोरी की हत्या करने वाले हत्यारोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक तरफा प्यार में पागल सिलफरे आशिक युवक ने गोली मारकर किशोरी की हत्या की थी। इस घटना से सुरियावा सहित जनपद में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस ने बुधवार की रात मुखबिर की सूचना पर सुरियावा थाना क्षेत्र के बीरमपुर त्रिमोहानी पर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची हुई थी। बाइक सवार हत्यारोपी बीरमपुर त्रिमोहानी पर पहुंचते ही पुलिस को देखते ही फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बाइक सवार हत्यारोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हत्यारोपियों में ऊंच थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव निवासी अरविंद विश्वकर्मा उर्फ पंचू पुत्र शारदा विश्वकर्मा और सुनील विश्वकर्मा उर्फ दारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवक पंचू उर्फ अरविंद विश्वकर्मा कांतिरामपुर गांव निवासी अनुराधा बिंद से एक तरफा प्यार करता था और किसी कारण से बुधवार की शाम करीब 7 बजे अरविंद विश्वकर्मा अपने सहयोगी सुनील विश्वकर्मा के साथ मिलकर अनुराधा बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना की सूचना मिलते ही देर रात डीआईजी आरपी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर बीरमपुर त्रिमोहानी पर मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हत्यारोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में सुरियावा थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह यादव, मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, मुख्य आरक्षी पंकज कुमार, आरक्षी सुनील सिंह, महिला आरक्षी अनुपूरा सहित आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करके घटनाक्रम का खुलासा किया है। कल शाम में थाना सुरियावा में एक किशोरी की गोली मार के हत्या की सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस कर्मचारी अधिकारी और हमारी फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उसमें जांच के दौरान ये सामने आया कि पास के ही एक युवक की भूमिका उसमें सामने आ रही थी। परिजनों ने दो युवकों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और 12 घंटे के अंदर जो पुलिस की टीमें गठित थी उन्होंने दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया है। ये जो अभियुक्त हैं उसने पूछताछ में बताया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और इसमें पुलिस आगे त्वरित और प्रभावी पैरवी करके जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जाएगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।